कैसा लगेगा अगर आपका जो घर है उसके साथ ही में आपको 80 गज का ग्रीन एरिया मिल जाए। सो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यही देखने को मिलेगा कि 122 गज के प्लॉट साइज के साथ साथ में ही आपको 80 गज का बहुत ही सेपरेट ग्रीन एरिया मिल रहा है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आज आप सब। सो आप सभी को नए साल 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो नया साल है बहुत सारी खुशियां आपकी जिंदगी में लेकर आए एंड बहुत ही अच्छी तरक्कियां आप करें अपनी जिंदगी में। एंड 2024 के अंदर भी हमारे को ऐसे ही प्यार दीजिए जैसा आपने 2023-2022 में दिया। हमेशा हमें इतना ही प्यार देते रहिएगा, आगे हम आप सभी को बहुत सारी ऐसे ऐसे इन्वेंट्री जरूर दिखाते रहेंगे। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को दोबारा से। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने के लिए लेकर आए हैं 122 गज के प्लॉट साइज के साथ में 80 गज का ग्रीन एरिया। कैसा लगेगा बताइए, आप सब बताइए। सबसे पहले मुझे पता है अच्छा ही लगेगा। 122 गज के प्लॉट साइज में आपका 3 BHK ड्यूप्लेक्स हाउस बना हुआ है एंड उसी के बिल्कुल साइड में 80 गज का ग्रीन एरिया, क्योंकि ये जो घर है ये 3 साइड ओपन है, कॉर्नर का घर है, रेयर अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी बहुत रेयर आती है कॉर्नर के घर की। और सबसे खास बात यही है कि इस घर में आपको ग्रीन एरिया ही 80 गज का मिल रहा है। एंड सेकंड चीज ये है कि 3 साइड ओपन है। देखिए इतना स्पेस है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तो बहुत कुछ, अभी भी ऑलरेडी काफी सारे पेड़ वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे आप इस जगह को कन्वर्ट कर सकते हो, फार्मिंग कर सकते हो, कुछ सब्जी वगैरह उगा सकते हो। सब्जी वगैरह उगाने का आपको अगर शौक है, कुछ लोगों को बहुत होता है, मेरे पापा को तो बहुत ज्यादा, उनको बहुत अच्छा लगता है ऐसे सब्जी वगैरह लगाना। तो इतना स्पेस है तो आप सब्जी वगैरह लगा सकते हो, नहीं तो आप इसको बिल्कुल लश ग्रीन यहाँ पर अगर आप ग्रीन एरिया कन्वर्ट कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, तो बहुत सुंदर सा आपका एक सिटिंग एरिया भी बन जाएगा। सोचिए कितना मजा आएगा। 3 साइड ओपन है, बैक साइड पे कुछ नहीं आना है, फ्रंट साइड पे कुछ नहीं है, इस तरफ कुछ नहीं है। तो बेस्ट चीज है कि आपको हर एक एंगल से वेंटिलेशन प्रॉपर मिलती रहेगी। इस तरफ को आपकी पार्किंग हो जाएगी, बेसिकली आप अपनी गाड़ी यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं, टू व्हीलर वगैरह आपकी लग जाएंगी, 3 गाड़ियां आराम से पार्क होंगी। देखिए यहाँ से भी आपको एंट्री है डायरेक्ट, आप ये हमारी मेन एंट्री नहीं है, घर की एंट्री आप बिल्कुल फ्रंट से, हम बैक साइड पे खड़े हैं, मैं फ्रंट में आपको लेकर जाऊंगी अभी, बट यहाँ से आप डायरेक्ट ही एंटर कर सकते हैं अपने ग्रीन एरिया में। तो आज हम आपके लिए ब्रांड न्यू घर नहीं लेकर आए हैं, आपके लिए हम दिखाने के लिए लेकर आए हैं आपको ये घर जो कि रेनोवेटेड है। हम कुछ लोग ना क्या करते हैं कि आपको झूठ बोल देते हैं कि नहीं नहीं ये फ्रेश है, नया घर है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश तैयार हुआ है, बट हम लोग वही बोलते हैं जो एक्चुअल में है चीज़। हैरी दत्त कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हमेशा आपको एक्चुअल चीज़ ही बताते हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, कल को आपको बाय एनी चांस पता भी लग जाए तो इसमें गलत कौन होंगे, हम ही लोग होंगे, तो क्या फ़ायदा, पहले ही सच बोल के चलो ज़्यादा बेटर चीज़ है। अभी देखिए यहाँ पे ये रेनोवेटेड तो है ही है, बट खासियत क्या है इस घर की, वो यही है कि जो इसका प्लॉट है, कल को 10 साल बाद भी अगर आप इसको सेल आउट करने निकलेंगे तो बहुत ही अच्छे दाम में आप आराम से इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो 3 साइड ओपन में जो प्लॉट होते हैं वो काफ़ी रेयर होते हैं, क्योंकि कॉर्नर भी है, 3 साइड ओपन भी है, आपको साइड में पार्क भी दिया जा रहा है, आपका सेपरेट है। कल को अगर इन फ्यूचर आप चाहते हैं कि इसको तोड़ कर कोई नए डिज़ाइन में बना कर, कल को मार्केट से बहुत ही अच्छे प्राइस में बिकेगा, क्योंकि इसकी जो अवेलेबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है। जनरली वैसे भी कॉर्नर का प्लॉट ही काफ़ी रेयर होता है, तो आपको तो खुद ही पता होगा कि कितनी ज़्यादा अच्छी अवेलेबिलिटी आपके लिए लेकर आए हैं आज की डेट में। माना कि ये रेनोवेटेड है बट घर बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि इसमें जो आपको एंट्री मिल रहा है, 3 साइड ओपन है, आपका साइड में जो ग्रीन एयर तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है इस घर में, क्योंकि गाड़ियों की पार्किंग का भी इशू आपको नहीं आने वाला, जैसे पीछे मैं बता चुकी 3 गाड़ियाँ आपकी वहाँ लग जाएंगी, एक गाड़ी आपकी ये बर्न स्पेस में आपकी लग जाएगी, एक गाड़ी का स्पेस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपकी एक गाड़ी की पार्किंग आराम से हो सकती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो हमें कोई भी नहीं आएगी पार्किंग के, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्किंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड न्यू ईयर हो चुका है, सर्दी बहुत बढ़ चुकी है भाई चंडीगढ़ के अंदर, बाई गॉड। अब देखिए यहाँ पे भी अंदर आप एक छोटी वाली गाड़ी जो है ना वो भी यहाँ पे भी लग सकती है, एक छोटी जो साइज़ की गाड़ी होती है यहाँ पे भी लग जाएगी। अगर आपको यहाँ नहीं पार्क करनी है तो अपने टू व्हीलर्स वगैरह आप यहाँ पार्क कर सकते हो। अभी घर के अंदर हम जाएंगे, आपको लेकर जाएंगे, आप जैसा देख रहे हो वैसा नहीं मिलेगा, रेनोवेटेड है बट अभी फिनिशिंग होनी बाकी है, बहुत काम इसमें पेंडिंग है हम, बट पहले ही आपके लिए ये वीडियो लेकर आ चुके हैं, क्योंकि आप समझ जाओगे कि घर किस तरीके से तैयार हो जाएगा आपके लिए। इस तरफ को भी स्पेस दिया गया है यहाँ पर, एंड देन उसके बाद हमारी मेन एंट्रेंस इधर है, ये हमारे घर की सबसे ज़्यादा मेन एंट्रेंस है, ये प्रॉपर डिजिटल लॉक के साथ है। देखिए ये डिजिटल लॉक है जो कि
आपका या तो कार्ड और या तो फिर पासपोर्ट से ही ओपन होगा। एंटर करते सबसे पहले पाउडर रूम इधर दिया गया है, बेसिकली एंट्रेंस के साथ ही आपका पाउडर रूम आ जाता है। एंड देन उसके बाद इस तरफ को ये वाला एरिया है, ये वाला स्पेस है आपका ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। ये ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया आ गया। ऊपर आपकी फॉल्स सीलिंग दी गई है, इस तरफ को वॉल पे भी अच्छा काम देखने को डिजाइनर वॉल कर दिया गया है बेसिकली। इधर आपकी विंडो आ गई, मैश विंडो, ग्लास विंडो है, साथ ही में मैश विंडो है, सो दैट एक बाहर का व्यू भी बना रहे एंड साथ ही में आपको वेंटिलेशन घर के अंदर भी मिलता रहे। एंड देन उसके बाद इस तरफ को सामने को बिल्कुल यहाँ है आपकी किचन। यही एंट्री की बात कर रही थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब हम वीडियो के स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो यहीं से ही मैं आपको कह रही थी कि एक और एंट्री दी गई है, जो कि मैं एक बार खोल के भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो यहीं से ही आपकी डायरेक्ट एंट्री रहेगी आपके ग्रीन एरिया को, और ये है आपका किचन। देखिए अच्छी खासी स्पेस दी गई है किचन में, मेरे को स्पेस की वाइज अगर बात करूँ तो अच्छा खासा स्पेस है। कैबिनेट्स काफी सारे हैं, लोअर कैबिनेट्स हैं, अपर कैबिनेट्स हैं, एंड इस तरफ को एक और स्पेस दिया गया है, आप इसको कह सकते हैं आपका वॉशिंग एरिया। तो ये आपका बेसिकली वॉशिंग एरिया बन जाएगा। एंड ग्राउंड फ्लोर पे बेडरूम्स की बात की जाए तो आपका एक बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर पे आपका एक बेडरूम आ जाता है, ग्राउंड फ्लोर पे वन बेडरूम है आपका, बाकी के बेडरूम्स फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो आपका फर्स्ट बेडरूम रहेगा, वार्डरोब्स इधर आपके दे दिए गए हैं, ऊपर आपकी फॉल्स सीलिंग विद द एलईडी लाइट्स। एंड देन इस तरफ को जो ये वाला स्पेस है, आप इस स्पेस पे भी आपके वार्डरोब्स रख सकते हो, नहीं तो कुछ स्टडी एरिया या कुछ यू नो वर्क फ्रॉम होम है तो कुछ टेबल वगैरह लगा के आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। इधर आपका अटैच्ड वॉशरूम, काफ़ी अच्छा स्पेशियस साइज दिया गया है, वॉशरूम का भी अच्छा खासा स्पेस है। आप देखिए हमारा क्योंकि थ्री साइड ओपन है तो इस तरफ से भी बैक साइड को भी एक विंडो दे दी गई है, एक नेचुरल लाइट जो है आपके बेडरूम तक आती रहे एंड वेंटिलेशन भी आती रहे। और अब चलते हैं आप सभी को लेकर फर्स्ट फ्लोर पे, एंड फर्स्ट फ्लोर की एंट्री हमारी यहाँ से रहेगी, अंदर से ही है। स्टेयर्स के नीचे भी आप अपना कुछ कर सकते हो, कुछ सिटिंग एरिया बना सकते हो, नहीं तो आप इसको कवर करके कुछ स्टोरेज का भी बना सकते हो साथ ही साथ में। अब आइए फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी डिज़ाइनर शैंडलर लगाया गया है, वॉल काफ़ी अच्छी लग रही है, डिज़ाइनर वॉल कर दी गई है। एंड जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे आते ही हमें दोबारा से ही हमारा एक लिविंग स्पेस मिलता है। देखिए एक लिविंग एरिया आपका यहाँ पर दिया गया है, ऊपर आपकी फॉल्स सीलिंग विद एलईडी लाइट्स, इधर विंडो आपकी आ गई ताकि वेंटिलेशन भी आता रहे और साथ ही में डेलाइट भी आता रहे। यहाँ से आपकी बैक साइड की जो बालकनी है वो आ जाती है, ये देखिए ये आ गई आपकी बैक साइड वाली बालकनी। कॉर्नर है तो फायदा ही फायदा है, ऑब्वियस सी बात है। काफ़ी पीसफुल एरिया भी है, आसपास की लोकेलिटी की बात करूँ तो काफ़ी डेवलप एरिया है, सब यहाँ पर अपने फैमिली वाले लोग रहते हैं और प्रॉपर डेवलप सेक्टर है, प्रॉपर डेवलप एरिया है और बहुत पीसफुल है, बहुत ही आराम से आप पीसफुली रह सकते हैं यहाँ पर। आइए बेडरूम्स की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका सेकेंड बेडरूम, देखिए सेकेंड बेडरूम आ गया, इधर को वार्डरोब्स आपके दे दिए गए हैं, ऊपर आपकी फॉल्स सीलिंग है, यहाँ पर आप अपना टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड देन इस तरफ को सेम एज इट इज़ ही है, आप यहाँ पे अपना स्टडी एरिया वो बना सकते हो। इधर आपका अटैच्ड वॉशरूम, तो अटैच वॉशरूम आ गया। एंड यहाँ पे भी ऑफकोर्स थ्री साइड ओपन, इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि फ़ायदे ही फायदे होते हैं। आपकी विंडो आ गई, मैश विंडो आ गई, एक डे लाइट और साथ ही में नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन प्रॉपर आपको मिलेगी। अभी देखिए यहाँ पर पेंट वगैरह और बहुत कुछ काम होना बाकी है, अभी आप ऐसे देख रहे होंगे, ऐसे नहीं आपको हम देंगे जैसा पड़ा हुआ है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, अच्छे से फिनिशिंग के साथ ही आपको डिलीवर करेंगे। ऊपर आपकी फॉल सीलिंग आ गई एलईडी लाइट्स के साथ, इधर आपके वार्डरोब्स आ गए। एंड उसके बाद इधर देख लेते हैं क्या है, क्या बात है, इधर आ गया आपका एक तो वॉशिंग एरिया आप इसको कह सकते हैं, एंड साथ ही में आपके छत का एक्सेस। तो कैसा लगा आज का ये घर, उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आया होगा, पसंद आना भी चाहिए क्योंकि चलिए ठीक है माना घर उस तरीके से अभी फिनिशिंग वगैरह नहीं हुई है, वो हम जैसे लग्जरी कॉन्सेप्ट आपको दिखाते हैं, अब हर बार तो हम आपको लग्जरी कॉन्सेप्ट नहीं दिखा सकते हैं, हमको सारी चीज़ें आपको दिखानी चाहे घर कैसा भी बना हो, क्योंकि हमें आप तक वो चीज़ पहुँचानी है जो एक्चुअल में अच्छी चीज़ है और बन सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि इन फ्यूचर इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रेयर हो जाएगी, वो आप इन फ्यूचर ही समझ पाएंगे कि आज की डेट में हमने आपसे ऐसी बात क्यों बोली।
तो अगर आपको कुछ भी जानना हो इस घर के बारे में, इस लोकेशन के बारे में, नीचे से आप नंबर कभी भी ले सकते हैं, कभी भी आप हैरीबेल टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, हम सब मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, शुक्रिया एंड ऑफकोर्स हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ।